अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं इस तरह से कि जैसे मैं सुबह नींद से उठी तो सबसे पहले मैंने मशीन लगाई, क्योंकि लाइट का आजकल बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। तो मैंने सोचा कि पहले कपड़े निकाल देती हूँ ताकि जो है अगर लाइट चली भी जाए तो मुझे कपड़े धोने का मसला बिल्कुल भी ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो कपड़े धुल गए थे वो मैं मशीन से निकाल कर आई थी और उनको ड्राई करने के लिए यहाँ पर जो है वो सुखा रही थी। तब तक मैंने यहाँ पर दूसरे कपड़े डाल दिए मशीन में ताकि जो है वो चक्कर निकलते जाएं और मैं जल्दी से इनको ड्राई करके फ्री होती जाऊँ। अच्छा, यहाँ पर जैसे जैसे कपड़े धुलते जा रहे थे, जैसे जैसे चक्कर निकलते जा रहे थे, मैं वो यहाँ आकर ट्राई करती जा रही थी कपड़ों को ताकि जल्दी जल्दी कपड़े फिनिश हो जाएं, चक्कर सारे ख़त्म हो जाएं और मैं जल्दी फ्री हो जाऊं। अच्छा, तो यहाँ पर फिर हमने आटा लेकर आए समोसे और रोल, तो फिर हमने चाय पी, चाय के साथ समोसे और रोल खाए। मुझे कुछ सामान रखना था नीचे रूम में तो मैं चली गई अंजला के साथ नीचे थोड़ा बहुत सामान रखने वहाँ पर। अच्छा, वो सारी हाउसवाइफ्स जो मुझसे रिलेट करती हैं उनको ज़रूर भी ये चीज़ महसूस हो रही होगी मुझे देखकर कि घर के अंदर ना बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि एक काम हमारा ख़त्म नहीं होता तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। अभी एक काम ख़त्म ही नहीं होता, हमने वो फिनिश किया होता है तो दूसरा काम हमारे फिर किसी ना किसी कोने से लेकर आता है और वो ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है। यहाँ पर देखें, मैं जो है सारी की क्रॉकरी रख रही हूँ। क्रॉकरी इसलिए रख रही हूँ कि कल रात गेस्ट आए थे कुछ तो वो चले गए, तो उसके बाद ये सारे वॉश होकर मैंने रख दिए थे ड्राई होने के लिए। तो सुबह में अभी मुझे टाइम मिला, मैं नीचे आ गई थी तो डिवाइडर यहीं नीचे रखा हुआ होता है, तो मैंने सारे डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाकर और मैंने सोचा कि चलो इनको सेट कर लेते हैं। जो अगर कोई काम ना भी होना तो घर के कोने से कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम निकल ही आता है कि आपको करना पड़ता है, तो हाउसवाइफ्स का तो ये डेली का ही रूटीन होता है। अच्छा, अभी यहाँ पर मिशकात फातिमा कुरान पाक पढ़ रही है अपना, या अपना ऑनलाइन क्लास रहती है क्योंकि मिशकात फातिमा का 3:30 बजे तकरीबन स्टार्ट हो जाता है इनका ऑनलाइन क्लास, कुरान पढ़ जो है वो 4 बजे तक इनकी क्लास चलती है। तो मिशकात जब तक कुरान पाक पढ़ रही थी तब तक मैंने यहाँ पर रूम में अंजला को सुला लिया, क्योंकि मिशकात की रूम में जो है वो आना जाना बंद हो गया तो मैंने कहा चलो अंजला को सुला देते हैं, तो मैं यहाँ पर अंजला को सुला रही थी। अच्छा, अंजला को सुलाने के बाद मैं लाइट्स ऑफ करके रूम से बाहर आई तो ये देखें जी, मिशकात फातिमा बैठकर चोरी चोरी जो है वो चिप्स खा रही थी और मुझसे छुपा रही थी और अपने आईपैड पर बैठी हुई थी। इसकी एक ग्लास जो है वो ख़त्म हो चुकी थी तो इसीलिए फ्री होकर अपनी चिप्स को इन्जॉय कर रही थी। और उसके बाद जी असर का टाइम हो गया था तो फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। और उसके बाद मुझे फिर भी थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो बच्चों के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने बच्चों के कपड़े स्टार्ट किए। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने हंजला के कपड़े रखे हैं। उसके बाद मैं मिशकात फातिमा की अलमारी खोली, मैंने मिशकात के सारे कपड़े मैंने यहाँ सेट किए। यहाँ नीचे ये देखे मिशकात फातिमा खेल रही थी। अच्छा जी, तो रात के खाने में हमने बनाए थे आज शलजम, तो यहाँ पर मैंने शलजम बॉईल करने के लिए रख दिए और यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया और उसको रेडी करना। मैंने यहाँ पर अनियन को गोल्डन ब्राउन होते ही इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड किए और एक ग्रीन चिली ऐड किया, मिक्स इट वेल।
मैं अक्सर शलजम ऐसे बनाती हूँ, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैंने इसमें पूरी रेसिपी ऐड की हुई है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाला है नमक, उसके बाद कोरिएंडर पाउडर, फिर चिली फ्लेक्स, उसके बाद हल्दी, और मैंने अभी डाला है चिकन पाउडर, और मिक्स इट वेल। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया है वेजिटेबल मसाला शान का, ये अच्छा लगता है मुझे सब्जियों के अंदर। तो अच्छा, यहाँ पर क्लिप मिस हो गई है, वरना मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट भी मिक्स की है। ये मेरी रेसिपी है, आप किस तरह से बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब मैंने यहाँ पर शलजम को जो है वो थोड़ा सा कूट लिया है डंडे से, और यहाँ पर जो है वो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ इस मैरिनेशन के अंदर जो मैंने बनाई थी टमाटर वाली पेस्ट। सो अब इसको मिक्स कर दें, मिक्स इट वेल। एंड आफ्टर देन मैंने यहाँ पर मेरी एक जो है वो छुपा रिस्तम जो है वो टेक्निक है कि मैं अक्सर इसके अंदर लास्ट में थोड़ी सी शुगर ऐड करती हूँ, बिल्कुल पिंच, जैसे कि हाफ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की और इसको दम पर रख दिया। आफ्टर दैट मैंने इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स ऐड किए, और जी मैंने इसको जो है वो मिक्स किया, और दैट्स इट, हमारी शलजम की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह से रेडी करते हैं। तो उसके बाद मैं चली गई थोड़ा सा बाहर, मुझे काम था मार्केट में। अच्छा, मैं बाहर गई थी किसी और काम से, लेकिन क्या हुआ कि ऐसा होता है अक्सर, आप जाते किसी और काम से और वो कोई और काम जाता है आपसे, आपको मिल कोई और चीज़ जाती। यहाँ पर मैंने मिशकात फातिमा के लिए कुछ कुर्तियाँ देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी माइनर्स पर प्लस में सेल भी लगी हुई थी 40-50%। तो यहाँ पर मुझे मिशकात के लिए जो अच्छा लगा मैंने मिशकात के लिए भी परचेज़ किया, और हमजिला के लिए भी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस बार सेल में क्या लिया, कहाँ से लिया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, एक न्यू सुबह के साथ, एक न्यू दिन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।